मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। आज मीरा भाईंदर शहर में लोग बोल रहे हैं, 10 साल से आपको सत्ता दी, कॉरपोरेशन दिया, आमदार दिया, खासदार दिया, मंत्री पद दिया, आपने भाईंदर वेस्ट में एक सादा भाजी मार्केट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, जवाब दो। उत्तन राय मोरवा मुर्दा में एक भाजी मार्केट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, जवाब दो। भाईंदर वेस्ट में और ईस्ट में एक प्लेग्राउंड नया नहीं बना, लोग बोल रहे हैं, जवाब दो। चुनाव लड़ते हो 145 में और काम बताते हो 146 का। आप चुनाव 145 में लड़ रहे हो, भाईंदर वेस्ट, राय मोरवा मुर्दा उत्तन, भाईंदर ईस्ट, कैबिन रोड, जैसल पार्क, आरएनपी पार्क, नर्मदा नगर, इन परिस्थितियों में क्या बदलाव किया आपने 10 साल में, इसका जवाब दो। मीरा रोड में शांतिनगर के गार्डन प्लेग्राउंड नगरपालिका महापालिका के ताबे में थे, आपने बिल्डर को वापस दे दिया, क्यों दिया, जवाब दो। पिनकरपाड़े में मार्केट बनाया आपने, रास्ते नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाया, जवाब दो। पानी के लिए आश्वासन दिया 2019 में पानी आएगा, क्यों नहीं आया, जवाब दो। मेट्रो 2019 में आने वाली थी, क्यों नहीं आई, जवाब दो। रास्ते के लिए 22 करोड़ रुपए रिपेयरिंग के लिए पैसा खर्चा किया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, कौन है जिम्मेदार, इसका जवाब दो। जनता इस शहर में 10 साल की जो आपको ताकत दी, जनता ने जनता के प्रश्न छुड़ाने के लिए, और आपने वो काम नहीं किया, इसका समाज जनता आज सवाल पूछ रही है। और वही ताकत है जो आज हमारे साथ नाम निर्देशन भरने के लिए, नॉमिनेशन भरने के लिए आई थी। 10 साल में क्या हुआ, 2019 में आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने कहा था 2017 में, 2019 में मेट्रो चालू हो जाएगी, 2024 हो गया है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, उसका जवाब दो। हमारा फ्यूचर नेता
आप देख रहे थे वाईएसआर न्यूज़ में अजीम तांबोली भाईंदर।